Hello, student. Welcome back to our SST class. My dear student, I hope that your Diwali festival must have been very good and you have enjoyed a lot. Now, start focusing back on your study because we do not yet know when the schools will open and how long the online classes will last. So, you should pay full attention to your study. Today, we will start. A new topic 29 market around us. So, listen to me carefully. Okay, let's get started. The term market literally refers to a place where goods are bought and sold. कि जो मार्केट है लिटरली मीन्स एक्चुअली वास्तव में सचमुच कि जो रेफर्स करता है हमें व्याख्या करता है एक ऐसे स्थान की जहाँ गुड्स गुड्स मीन्स माल यहाँ अच्छे से मतलब नहीं है गुड्स मीन्स होता है माल जो अब बेचा जाता है और खरीदा जाता है अर्लियर द फोकस ऑफ मार्केटिंग वॉज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड मैग्जिमाइजिंग प्रॉफिट्स अर्ली यानी पहले से ही जो फोकस होता है मार्केट का वो ये इसके बारे में होता है ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स कि जितना भी माल है उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग कैसे होगा उसका जो हम बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग यानी इंक्रीज की प्रॉफिट और ये जो बेचने वाले हैं बायर्स हैं जो दुकानदार हैं वो इनको अधिकतम से अधिक कितना प्रॉफिट लेंगे नाउ द नीड्स वॉन्ट्स एंड सैटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर वर नोट गिवर वेटेज गिवन वेटेज द नीड्स की जो आवश्यकता होती है वांट्स यानी चाहना होता है एंड सैटिस्फेक्शन सेटिसफेक्शन यानी कंटेंटमेंट यानी संतोष होना अपना सेटिस्फाई uh, करना किसी को भी ऑफ द कस्टमर कस्टमर जो हम हैं मार्केट में जाते हैं कोई भी शॉपकीपर है तो वो हमें ऐसी चीज़ दिखाएगा जिससे कि हम सेटिस्फाई हों हमें संतोष मिले वर नाट गिवन वेटेज कि वेटेज यानी प्रायोरिटी कि उसका महत्व नहीं रह गया है अभी वो जो ध्यान देते हैं बट इन आवर एज पहले जो क्या था पहले लोग कस्टमर के जो उसकी नीड्स थी वांट्स थी उसका सेटिस्फैक्शन था उसके बारे में ध्यान नहीं देते थे लेकिन इन दीज डेज कि बट इन आवर एज परंतु जो ये अपना जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है अपनी जो एज है द ट्रेंड ऑफ मार्केटिंग हैज़ चेंज अलॉट लेकिन इस टाइम जो मार्केट का ट्रेंड है ट्रेंड यानी जो टेडेंसी है उसकी जो प्रवृत्ति है वो चेंज बहुत अधिक चेंज हो चुकी है सिक्योरिंग सर्विसिंग सॉरी एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इज गिवन ड्यू कंसिडरेशन टू एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी टूडे मीन्स आज जो सेंसुइंग यानी फील जो अपनी महसूस करते हैं वो सर्विसिंग यानी जो चेक ओवर है कि वो जो सेवा करते हैं देते हैं हमें एंड सैटिस्फाई हमें संतोष देते हैं द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ कस्टमर कि जो कस्टमर की आवश्यकता होती है और जो उसकी डिज़ायर उसकी जो इच्छा होती है कि उसको कैसा गुड्स चाहिए कैसी थिंग्स चाहिए कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसके बारे में मार्केट अब अवेयर हो चुका है इज गिवन डू कंसिडरेशन कंसिडरेशन यानी होता है थॉट्स अब वो नए नए विचार आता है कि कस्टमर को कैसी चीज चाहिएगी उसी के ऊपर उसका फोकस होता है टू एस्टैब क्रेडिबिलिटी क्रेडिबिलिटी अपने विश्वसनीयता होती है एंड एस्टाब्लिश कि जिस माल के जिस ऑब्जेक्ट की जिस थिंग्स की विश्वसनीयता होती है उसी को जो ट्रेडर्स होते हैं जो बायर्स होते हैं वो स्टैब्लिश करते हैं सेटअप करते हैं now in the cutthroat competition have you heard about this word cutthroat means jo डिस्ट्रक्टिव होता है कि गलाकाट प्रतियोगिता होती है जो गलाकार क्योंकि मार्केट के अंदर इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं इतनी वैरायटीज आ गई हैं कि जिसके लिए जो ट्रेडर्स होते हैं बायर्स होते हैं उनमें इतनी प्रतिस्पर्धा इतना कंपटीशन यू कैन से गलाकाट कंपटीशंस ईच एंड एवरी कंपनी की जितनी भी कंपनी है प्रत्येक कंपनियां उनमें बहुत अधिक कंपटीशन हो गया है या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अपने संगठन होते हैं फोकस ऑन कस्टमर्स सेटिसफैक्शन टू एक्सपेंड देअर मार्किट एंड इट्स वरियस एस्पेक्ट्स तो जो फोकस होता है उनका जो फोकस होता है कस्टमर के कि जो उनको कैसा सेटिसफैक्शन मिले उसको वो एक्सपैंड करते हैं इन लार्ज करते एक्सपेंड मीन्स विस्तार करते हैं लार्ज करते हैं देयर मार्केट अपने मार्केट को वो बढ़ाते हैं इट्स एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स यानी जो फीचर्स होते हैं पहलू होते हैं कि जो मार्केट के अलग अलग पहलू होते हैं उनके ऊपर आजकल वो फोकस करने लगे हैं नाउ नीड फॉर ए मार्केट अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें मार्केट की आवश्यकता क्यों होती है ये चीज तो हम कहीं से भी ले सकते हैं हमें अवेलेबल की करवाई जा सकती है तो इसके लिए मार्केट ही क्यों आवश्यक है सो सी ए मार्केट एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ओके एक मार्केट होता है वो सेटअप करता है एस्टेब्लिशन स्थापित करता है एक लिंक मतलब किसके बीच में प्रोड्यूसर्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उत्पादक होते हैं एंड कंज्यूमर्स जो बायर्स जो उपभोक्ता कंज्यूमर हम हैं जब हम मार्केट से कोई चीज़ लेकर आते हैं और जो शॉपकीपर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं मतलब उत्पादक करने वाले होते हैं थ्रू ट्रेडर्स की जो व्यापारी होते हैं अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियाज होती हैं उस कंपनीज़ के अंदर प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस produce करते हैं वो माल को और फिर वो हम ट्रेडर्स के थ्रू हमें पहुंचाते हैं ट्रेडर्स बाई फिनिश्ड गुड्स फिनिश्ड गुड्स मीन्स होता है कि जो तैयार माल होता है एक वेल well जो गुड्स होता है उनकी फिनिशिंग देकर उनको एक जो तैयारी करते हैं ट्रेडर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स जो उत्पादक होते हैं उनसे वो एक तैयार माल लेते हैं एंड सेल दैम टू द कंज्यूमर और उपभोक्ताओं को वो बेचते हैं दे आल्सो टेक केयर ऑफ द टू इम्पोर्टेंट बैरियर्स और वो ये दो महत्वपूर्ण जो बैरियर्स हैं जो फैंस हैं जो बाधाएं हैं ऑफ ट्रेड की व्यापार की वो बहुत अधिक उस पर ध्यान दिया जाता है जैसे नेमली द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की जो जहाँ उत्पादन होता है जो जिस भी माल का वो स्थान है उसकी बीच की जो दूरी है एंड द प्लेस ऑफ कंज्युमशन uh, और जो कंज्यूमशन जो यूटिलाइजेशंस होती है कि जहाँ वह स्थान जहाँ उसकी खपत ज़्यादा होती है एंड द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंज्यूम्शन टाइम लैग होती है कि जो अपने स्ट्रगल होता है मतलब पिछड़ जाना कि वो अगर वो टाइम लैग से पिछड़ गए कि जो प्रोडक्शन है और जो कंजुप्शन है कि जहाँ खपत होती है और जहाँ जो माल उनका बनता है उस डिस्टेंस में वो पिछड़ गए तो उनको बहुत मुआवजा उठाना पड़ता है ओके नाउ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडस प्रोड्यूसिंग गुड्स की जो भी प्रोड्यूसिंग है विनिर्माण है, है किसी भी माल का एंड सेलिंग डेम उनको बेचना है टू द बायर्स जो उपभोक्ताओं को ऑल अलोन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल और कंपनी तो वो दोनों ही क्या चीज़ है कि दोनों ही डिफिकल्ट होती है किसके लिए इंडिविजुअल जो सिंगल है उसके लिए भी और जो कंपनीज बनी हुई हैं उनके लिए भी ये चीज़ें डेंजरस uh, होती हैं और डिफिकल्ट होती हैं नाउ मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग थिंग्स अलोन कि मार्केटिंग में सिर्फ केवल एक चीज़ों को बेचना ही नहीं होता है इट इन्वॉल्व मैनी अदर एक्टिविटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व यानी रिक्वायर जो शामिल किया जाता है इंक्लूड किया जाता है उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं सच एज़ सी कि वो एक्टिविटीज़ क्या होती है सच एज आइडेंटिफाई बायर्स कि सबसे पहले ऐसे खरीदारों को पहचानना फाइंडिंग आउट देयर

परस्यूडिंग यानी उनको राजी करना उनको राजी किया जाता है तो सिर्फ एक माल बेचना ही उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है दूसरी जो थिंग्स होती है उनके ऊपर भी फोकस करना होता है नेगोशिएटिंग द टर्म्स ऑफ सेल नोड ऑफ डिलीवरी एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज नेगोशिएटिंग यानी होती अरेंजमेंट करना किसी चीज़ की दूसरे शब्दों में हम अपने इस लाइन के इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि बातचीत करना किस टर्म के बारे में कि उनकी सेल कैसी होगी मोड ऑफ़ डिलीवरी वहाँ मोड यानी जो मैनर डिलेवरी करने का उनका तरीका कैसा होगा एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट उनका भुगतान कैसे किया जाएगा एंड आफ्टर सेल सर्विसेज़ कि जो माल बेचा जाता है उसके बाद जो जो बातें होती हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है कि अब हम जो माल बेचेंगे उसका हम कैसे बेचेंगे उसकी डिलीवरी दे, कैसे करेंगे और हमें पेमेंट का भुगतान कैसे किया जाएगा तो इन बातों की बातचीत भी उनके द्वारा की जाती है सो माई डियर स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड दीज पैराग्राफ्स यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टिल नाउ हैव ए नाइस डे